दो हेलो दोस्तों आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है रहस्यमय किला विनोद का अभी अभी प्रमोशन हुआ था विनोद अपनी फैमिली लेकर दूसरे शहर में आया था विनोद के लिए यह शहर बिल्कुल नया था विनोद के साथ उसकी माँ और उसकी वाइफ रहती थी विनोद की अभी अभी नई नई शादी हुई थी उसकी पत्नी बैदेही बहुत ही कुशल गृहिणी थी बड़े ही अप, अपने सास का और अपने पति का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी लेकिन उसकी सास थोड़ा पुराने ख्याल के थी उसकी सास बैदेही पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाती रहती थी लेकिन बैदेही कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उसके सारे बातें सुनती और सह सहती रहती थी एक दिन बैदेही दोपहर में आराम कर रही थी तभी उसकी सास ने ज़ोर से आवाज़ लगाई अरे वो बहू उठो घर का सारा काम कौन करेगा क्या तुम्हारा बाप करेगा बदही के कान में सासू माँ की आवाज़ जाते ही बी झटका झटका से उठती है और दौड़ के किचन में जाती है किचन का सारा काम ख़त्म करके बदही अपने गेस्ट रूम में जाती है जब बही गेस्ट रूम में जाती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर कर वही आश्चर्यचकित रह जाती है क्योंकि वहाँ का जो भी साफ सफाई था वह खुद पर खुद हो रहा था और वहाँ का जो भी काम था वह वह अपने आप हो रहा था झाड़ू लगाना पोछा लगाना सारा काम अपने आप हो रहा था बेदही डर के मारे चीखने लगी तब तक उसकी सास वहाँ पर आ गई और सास बोली क्या हुआ तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो क्या हुआ तब बैदही अपने मुंह से कुछ आवाज़ निकल निकाल पाती कि उसकी सास ने सामने का नज़ारा देखा वहाँ का सारा काम हो गया था जो कि गेस्ट रूम बिल्कुल बिखरा पड़ा था गेस्ट रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन नज़र आ रहा था तब उसकी सास वहाँ से चली गई बदही काफ़ी परेशान हो गई थी जब बदही उधर से आती है तब बदही अपनी सास को देखते ही उसकी सास वहीं पर बेहोश हुई पड़ी रहती है बदही जल्दी से अपनी सास को आटो बुलाकर ऑटो पर बैठा कर डॉक्टर के पास ले जाती है डॉक्टर बोलता है कि इनका शुगर और बीपी दोनों हाई हो गया है जिससे कि यह बेहोश हो गई हैं उसी दिन से उसकी सास बहुत कम बोलती थी और उसकी सास ऐसा लगता था कि सदमे में चली गई है बैदेही अपने सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और बैदेही समय समय पर दवाइयाँ और समय समय पर खाना अपनी सास को दिया करती थी बैदेही के सास के साथ अब धीरे धीरे बैदेही से प्रेम करने लगी थी क्योंकि बदही अपनी सास की बहुत अच्छे से केयर करती थी एक दिन बैदही अपने सास के विंटर के सारे कपड़े रखने के लिए गेस्ट रूम का दीवान खोलने की सोच रही थी तभी बैदेही का सारा गेस्ट रूम का काम हो चुका होता है बैदेही यह देखकर बिल्कुल दंग रह जाती है बैदेही बोलती है कि यह सारा क्या हो रहा है तभी बैदेही को एक परछाई दिखाई देती है बैदेही उसे देख बिल्कुल डर जाती है और भागने लगती है तभी गेस्ट रूम का दरवाज़ा लॉक हो जाता है और उस परछाई से आवाज़ आती है कि रुको बेदही तुम जो तुम मेरी बात एक बार सुन लो तुम जाओ नहीं तब बेदही डरते डरते हिम्मत बनाकर बोलती है कि हाँ बोलिए क्या बोलना चाहती हैं उस परछाई से बदही को आवाज़ आती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मेरी माँ इसी गेस्ट रूम में भटक रही है मेरी आत्मा इसी गेस्ट रूम में भटक रही है यहाँ से आज़ादी चाहिए और यह आज़ादी मुझे तुम दिलाओगी क्योंकि तुम्हारे घर के सारे लोग मुझे नहीं देख पाते हैं लेकिन तुम देख पाती हो तब बी डरने लगती है लेकिन वो जो परछाई बोलती है कि देखो तुम डरो नहीं तुम मेरा एक काम करो तो बोलती है कि हाँ बोलो तुम्हारा क्या काम करना है तब वह परछाई से आवाज़ आती है कि मुझे मुक्ति चाहिए और मुझे मुक्ति दिला दो और परछाई अपने दिल की दासता बड़े ही आराम से बेदही को बताने लगती है परछाई अपनी दिल की बात बताती है कि जब हम शादी करके आए थे तो हमारा भरा पूरा परिवार हमारे साथ रहता था हमारा एक देवर था जिनकी गंदी निगाहें मेरे ऊपर थी मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी हंसी खुशी से अपना दिन व्यतीत कर रहे थे एक दिन मेरे पति ऑफिस चले गए थे और मेरे पति मेरे परिवार के लोग गाँव चले गए थे तो मेरे देवर ने मेरे साथ काफ़ी गलत किया उसके बाद मेरे देवर वह इतना शैतान था कि वह इतना ही नहीं किया वह इस गेस्ट रूम में गड्ढा खोद के मुझे यहीं पे ढक दिया वो भी जिंदा जब मेरे हस्बैंड आए तो उसने मेरे हस्बैंड को बता दिया कि आपकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई है और मेरे हस्बैंड तब से लेकर आज तक मुझे ही गलत समझते हैं और वैदे ही तुम्हें बस इतना ही काम करना है कि मेरे गुनहगारों को सज़ा दिलानी है वह ही बोलती है कि मैं ऐसा काम कैसे कर सकूंगी मैं तुम्हारे पति को कैसे ढूंढूंगी इतना कहने के बाद परछाई धीरे से गायब हो जाती है और बेदही के दिमाग में यह बात सवार हो जाती है कि इसकी मदद मैं कैसे करूं बेदही अपने पति से यह सारी बातें बताती है लेकिन उसका पति इन सब बातों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है और विश्वास बिल्कुल नहीं करता है और बोलता है कि वह तुम पागल हो गई हो क्या यह सच नहीं होता है और वैदेही चुप हो जाती है तब वैदेही सोचती है कि इसकी मैं मदद कैसे करूं एक दिन वैदेही उस मकान के ऊपर वाले फ्लोर में जाती है वहां पर एक कमरा बना हुआ होता है उस कमरे में काफ़ी ज़्यादा कबाड़ रखे हुए होते हैं वहीं पर वैदेही को एक डायरी मिलती है उस डायरी में कबीर नाम के लेखक की कहानी होती है लेकिन लिखने वाले का नाम वहाँ पर अजय रहता है इतना देखने के बाद वैदेही के दिमाग की बत्ती जलती है और वैदेही के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं बड़े बैदेही ही तुरंत नीचे आती है और इंटरनेट पे जाती है उसके साइड पर एक ईमेल छोड़ती है क्योंकि बैदेही कबीर के जो स्टोरी थी उसकी फ़ैन थी उसकी दीवानी थी इसीलिए वो पहचान गई बैदेही ईमेल में बोलती है कि आप अजय हो आप वह इंसान हक्का बक्का रह जाता है और सारी स्टोरी बैदेही उसको बताती है तब वह आदमी अपना नंबर देता है और बदही से बातें करता है बहि उसकी सारी बात उसको बताती है उसकी पत्नी का लेकिन वह उसको भरोसा नहीं होता है कि मेरा सगा भाई ऐसा नहीं कर सकता तब बदही बोलती है कि आप मेरे घर आओ जब वह घर आता है तब बदही उसकी उसको सारी सच्चाई बताती है बदही का पति जब घर आता है तो कबीर सारी बातें बदही के पति से बताता है बदही का पति और बदही और कबीर तीनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस इस बात को मानने की तैयार नहीं थी और बदही के सामने उसकी पत्नी आकर जो जो भी कबीर अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया रहता है जो भी अपनी पत्नी के साथ किया रहता है सारा का सारा बात बताती है और बैदेही एक एक करके सारी बातें उसके पति कबीर से बताती है लेकिन कबीर को उसकी पत्नी दिखाई नहीं देती है केवल उसकी पत्नी बदही को ही दिखाई देती है कबीर इस बात पर भरोसा कर लेता है और जब पुलिस आती है तो उसे उससे गेस्ट रूम के नीचे के फ़र्श की खुदाई होती है वहाँ पर उसके देवर का चैन पड़ा हुआ होता है और एक कंकाल मिलता है यह देखकर कबीर कबीर पहचान लेता है और बोलता है कि यह तो मैंने अपने भाई को उसके बर्थडे पर गिफ्ट दिया था लेकिन पुलिस बोलती है कि उसके प्रति ठोस सबूत चाहिए तब पुलिस कबीर से उसके भाई को बुलवाती है और कबीर जब अपने भाई को देखा देखता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है लेकिन वह गुस्से को कंट्रोल किया रहता है और वह दही उसको डराने का काम करने लगती है बैदहीं बोलती है कि तुम अपने कब्र में तुम मेरे कब्र में अपनी चैन छोड़ गए हो ना अब पुलिस तुम्हें पुलिस बहुत जल्द आ रही है उस गेस्ट रूम की खुदाई करने तब वह एक योजना बनाता है कि पुलिस के आने से पहले इस घर से अपना चैन लेकर चला जाऊंगा एक दिन रात में सब सोए रहते हैं घर में घुसता है और घर में घुसने के बाद वह गेस्ट रूम की खुदाई करने लगता है इतने में बैद ही उसको डराने लगती है वह डर के मारे अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है और वहीं पर पुलिस मौजूद रहती है पुलिस उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और सबूत के साथ और पुलिस उसे सारा सच उगलवा लेती है सच सबके सामने आ जाता है अपने भाई से बिल्कुल कबीर नफ़रत करने लगता है और अपनी पत्नी की ईमानदारी और सच्चाई के सहारे फिर से अपना स्टोरी लिख लिखता है और उसके सहारे अपना ज़िंदगी व्यतीत करना शुरू कर देता है दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगती है यह कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिली कभी भी कभी कभी अपना खून का रिश्ता भी झूठ बोल जाता है अपने गुनाह को छुपाने के लिए लेकिन उस बात सच है कि गुनहगार कितना भी चलाक है लेकिन कोई ना कोई सबूत छोड़ी जाता है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग और धन्यवाद वीडियो को पूरा देख